गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग बिहेवियरल टर्म में कैसे लिखेंगे, जिसमें हमने बीएस ब्लूम के जो अप्रोच था हमारा बीएस ब्लूम का, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और उन्होंने जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, उनके पार्ट्स को हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज हम लोग कुछ और शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने की कुछ जो और विधियां हैं, कुछ और जो अप्रोचेस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि देखिए, इसमें तीन हमारे दिए हुए हैं शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने हेतु अनेक विधियाँ या उपागम प्रयुक्त होते हैं। तीन जो विधियाँ हैं प्रयुक्त होती हैं, अप्रोचेस प्रयुक्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला है रॉबर्ट मेगर उपागम, रॉबर्ट मेगर अप्रोच, रॉबर्ट मिलर उपागम यानी कि रॉबर्ट मिलर अप्रोच, एंड थर्ड इज द RCEM अप्रोच। नाउ RCEM अप्रोच, RCEM उपागम, तो ये इम्पॉर्टेंट है तीनों अप्रोचेस, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट मेगर उपागम। रॉबर्ट मेगर उपागम को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें रॉबर्ट मेगम, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो रॉबर्ट मेगम उपागम है, मेगर उपागम है, वो बेसिकली किसने दिया था? रॉबर्ट मेगर ने सन 1962 यानी कि 1962 में अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर विशेष महत्व दिया। उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को ज्ञानात्मक एवं भावात्मक को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली तथा उसके लेखन की विधि विकसित की। लेखन विधि में मेगर ने ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही आधार बनाया, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थी, जो बीएस ब्लूम ने दिए थे, उसी को ही आधार बनाकर प्रत्येक वर्ग के लिए उसके उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कुछ जो एक्शन वर्ब्स थी उनकी एक सूची तैयार करी। हम लोग उस सूची को यहाँ भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने एक्शन वर्ब में, जैसे बीएस ब्लूम ने अपने जो पार्ट्स में डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में, उसमें कुछ उन्होंने एक्शन वर्ब्स बताई थी, इन्होंने भी कुछ एक्शन वर्ब्स बताए, उसमें कुछ इंक्रीज की और कुछ चेंज किए। नाउ तत्पश्चात पाठ वस्तु एवं उससे संबंधित कार्य सूचक क्रियाओं की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। मीन्स उन क्रियाओं के बिहाफ पे, उन क्रियाओं की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि स्टूडेंट में इन इन चीज़ों का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, उसमें ये सब एक्शन वर्ब यानी कि कार्य प्रक्रियाएँ वो स्टूडेंट्स करेगा। रॉबर्ट मेगर ने शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए निम्न विधि का विकास किया। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम अंतिम व्यवहारों यानी कि टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको कि उत्पन्न करना शिक्षण का लक्ष्य है, उसको निर्धारित किया। उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन करना जिसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन की आशा की जा रही है। थर्ड, उन मानदंडों का वर्णन करना जहाँ तक शिक्षार्थी की निष्पत्ति स्वीकार है। तो ये तीन पॉइंट उन्होंने बताए। मेगर के अनुसार, रॉबर्ट मेगर ने क्या कहा, मेगर के अनुसार किसी भी शैक्षिक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए उपयुक्त तीनों का होना आवश्यक है। ये जो तीन उन्होंने मानदंड बताए, उनका होना आवश्यक है, उसी स्थिति में हम शैक्षिक उद्देश्य के व्यवहारिक निर्धारण में सफल होंगे। मेगर ने अपने उपागम में, हमने बताया था कि अपने उपागम में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में यानी कि बिहेवियरल टर्म में लिखने के लिए उन्होंने बीएस ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यों को वर्गीकरण का अपना आधार बनाया। मतलब उन्होंने जो बीएस ब्लूम ने एक बेसिक वर्गीकरण किया था ज्ञानात्मक भावात्मक, उसी के आधार पर उन्होंने भी उसी को, मतलब आधार बना के उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस करके उसको रिप्रेजेंट किया। उनके मतानुसार इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के अंतिम व्यवहार यानी कि टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स एंड अधिगम परिणामों को इस प्रकार व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जा सकता है जिनको सरलता पूर्वक मापा जा सकता है, यानी कि उनको इजी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, उनके मतानुसार इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के अंतर्व्यवहार और अधिगम परिणामों को, जो लर्निंग हमारे रिजल्ट्स आएंगे, परिणाम आएंगे, उनको इस प्रकार व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जा सकता है जिनको सरलतापूर्वक मापा जा सके।
निरीक्षण किया जा सके। व्यवहार के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों से संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची इस प्रकार है। अब देखिए नीचे सूची हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करे। पहला आता है ब्लूम के आधार पर जो उद्देश्य था, पहला वो था ज्ञान हमारा, ठीक है। ज्ञान से रिलेटेड उन्होंने कौन कौन से एक्शन वर्ब बताई हैं, देखिए ज्ञान से रिलेटेड उन्होंने एक्शन वर्ब बताई है, उसमें सबसे पहला दिया परिभाषा देना, यानी कि स्टूडेंट्स की जो एक्शन वर्ब होंगी कार्य प्रक्रियाओं क्या करेगा, परिभाषा दे सकेगा। सूची देना यानी कि लिसनिंग, लेबल लगाना यानी कि लेबलिंग कर सकेगा। नौ मापन करना यानी कि मेजरमेंट कर सकेगा किसी चीज़ का, नाम देना उसको एक नाम दे सकेगा। प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉलिंग कर सकेगा, ओके। पहचानना यानी कि रिकॉग्नाइजिंग, पुनः उत्पादन करना रिप्रोड्यूसिंग, कथन देना स्टेटमेंट देना लिखना, यानी कि ज्ञान के अंतर्गत स्टूडेंट क्या क्या कर सकेगा यह हम लोगों ने देखा कि वो क्या कर सकेगा, डिफाइन कर सकेगा, लिसनिंग कर सकेगा, परिभाषा देना सीख जाएगा, ठीक है। अगर उसमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसको नॉलेज हो गई होगी तो वो क्या कर सकेगा स्टूडेंट्स, उस उद्देश्य से संबंधित उसके अंदर ये क्रियाएँ होंगी कि वो उसको परिभाषित कर सकेगा, उसको रिकॉल कर सकेगा, प्रत्यास्मरण कर सकेगा, उसको नाम दे सकेगा, उसका मेजर कर सकेगा, उसको लेबलिंग कर सकेगा, उसको मतलब एक लेबल से रिप्रेजेंट कर सकेगा, ठीक है। और कथन यानी कि स्टेटमेंट दे सकेगा उससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इसमें उन्होंने कहा बोधात्मक अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कार्य पर्यक क्रियाएं समाहित होती हैं, जैसे बोध के अंतर्गत बदलना यानी कि चेंजिंग, वर्गीकरण करना क्लासिफाई, वो उस कंटेंट से रिलेटेड उसको वर्गीकृत कर सकेगा, भेद करना डिस्टिंग्विशिंग, व्याख्या एक्सप्लेनिंग, एग्जाम्पलिंग तो उदाहरण देना हो जाएगा, व्याख्या देना मतलब एक्सप्लेन करना, प्रतिपादन करना यानी कि फॉर्मुलेटिंग, पहचानना यानी कि आइडेंटिफाइंग, उदाहरण देना इलस्ट्रेट करना, संकेत करना इंडिकेट करना, अर्थापन यानी कि इंटरप्रेट करना, न्याय करना जस्टिफाई करना, निर्णय लेना यानी कि जजमेंट, ओके। नाम देना नेमिंग, प्रतिनिधित्व करना रिप्रेजेंटिंग, चयन करना सेलेक्टिंग, एंड सारांश देना यानी कि समराइज करना, रूपांतर करना ट्रांसफॉर्मिंग, एंड अनुवाद करना यानी कि ट्रांसलेटिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बोधात्मक यानी कि अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत ये जो हमारे इतने कार्य प्रक्रियाएँ हैं इतनी सारी, वो हमको पूर्ण रूप से एक स्टूडेंट में जब वो किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी लर्निंग करता है, जब वो किसी सीखता है तो उसके अंदर ये चीज़ बोधात्मकता के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत इन सब चीज़ें कि वो क्रियाएँ उसके अंदर होने लगती हैं, उन सब चीज़ों में डेवलप होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। प्रयोग एप्लीकेशन यानी कि जांच करना, फिर बदलना यानी कि चेंजिंग, थर्ड माने चुनना चूजिंग, फोर्थ संचालित करना यानी कंडक्ट करना, निर्माण करना कंस्ट्रक्ट करना, गणना करना कंप्यूटिंग, प्रदर्शित करना डिमॉन्स्ट्रेटिंग, खोज करना डिस्कवर करना, स्थापित करना इस्टेब्लिशिंग करना, पाना यानी कि फाइंडिंग करना, उदाहरण देना इलस्ट्रेट करना, संशोधित करना, पूर्व कथन देना प्रिडिक्टिंग, परिपालन यानी कि परफॉर्मिंग, एंड चयन करना यानी कि सेलेक्टिंग, एंड समाधान करना यानी कि सॉल्विंग, ओके, और उपयोग करना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी उसमें जैसे इन्होंने सभी में 18-19 जो एक्शन एक्टिविटी क्रियाएं हैं, ओके, कार्यपरक क्रियाएं हैं यानी कि एक्शन वर्ब है जो, तो उसमें बीएस ब्लूम ने कुछ 10 या 11 दिए थे, ठीक है, एक्शन वर्ब जो थी कार्य प्रक्रियाएं। लेकिन रॉबर्ट मेगर ने उसी में कुछ चीज़ें और इंक्रीज करी, सभी में उन्होंने 18, 19, 17 मतलब एक मैक्स मतलब बी एस ब्लूम से ज़्यादा उन्होंने एक्शन वर्ब्स को रिप्रेजेंट किया है कि स्टूडेंट्स में ये चीज़ें भी इंक्लूड की हैं उन्होंने, मतलब कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की हैं
लेकिन जो उसका आधार था वो उन्होंने बी एस ब्लूम को ही माना है। और जैसे थर्ड हो गया हमारा एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में हमने देखा कि स्टूडेंट्स क्या कर सकेगा, जांच कर सकेगा, और उसको उसमें अगर कुछ बदलाव करना होगा तो बदलाव कर सकेगा, चुनना यानी कि उसको चूज़ कर सकेगा, सेलेक्ट कर सकेगा, संचालित करना, कंडक्ट कर सकेगा, निर्माण करना यानी कि कंप्यूटिंग, प्रदर्शित करना डिमॉन्स्ट्रेटिंग, एंड खोज करना यानी कि डिस्कवरिंग, उसमें खोज कर सकेगा, व्याख्या करना एक्सप्लेनिंग, उत्पन्न करना जनरेटिंग, उदाहरण देना इलस्ट्रेटिंग, एंड संशोधित करना, उसको उसमें कुछ संशोधन कर सकेगा जब वो उसका जब उसको उसको अप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्म में उसको जब प्रयोग करेगा यानी कि जब उस नॉलेज को प्रयोग करेगा तो उसमें कुछ चेंज करके रिप्रेजेंट कर सकेगा, एग्जाम्पल दे सकेगा, चयन कर सकेगा, उसका समाधान यानी कि उसको सॉल्व कर सकेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके एक्शन वर्ब्स। नाउ विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, इसके अंतर्गत निम्न कार्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले हमारी एनालिसिस, एनालाइजिंग विश्लेषण करना, संबंधित करना एसोसिएटिंग, तुलना करना कंपेयरिंग, निष्कर्ष निकालना कंक्लूडिंग, अंतर बताना कंट्रास्टिंग, एंड आलोचना करना क्रिटिसाइजिंग, विभेद करना डिफ्रेंशिएटिंग, पहचानना पुष्टि करना, इंगित करना यानी कि पॉइंट आउट करना, निर्णय लेना और चयन करना और अलग करना। यानी कि ये क्या है, विश्लेषण का जो पार्ट है एनालिसिस, उसमें स्टूडेंट में कौन कौन सी एक्शन वर्ब्स इंक्लूड हुई हैं कि वो विश्लेषित कर सकेगा, उसको एनालाइज कर सकेगा, एंड संबंधित कर उसको किसी से संबंध उसको स्थापित कर सकेगा, तुलना कर सकेगा, कंपेरिजन कर सकेगा, एक निष्कर्ष निकाल सकेगा, अंतर बता सकेगा कि उसमें क्या अलग है, और विभेद करना यानी कि उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएगा दो चीज़ों में। ठीक है, चयन करना और अलग करना, इंगित करना, पुष्टि करना, ये सब क्या है, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमारी विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, अब इसमें देखिए सिंथेसिस में क्या है, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख कार्य प्रक्रियाएँ समाहित हैं, जैसे तर्क करना आर्ग्यूमेंट हम लोग तो आर्ग्यूइंग, निष्कर्ष देना कंक्लूडिंग, मिलाना कंबाइनिंग, निकालना डेराइविंग, वाद विवाद करना डिस्कसिंग, सामान्यकरण समन्वित करना, संगठित करना संक्षिप्त करना, ये सब जितने भी हैं, सिद्ध करना संबंधित करना रिलेटिंग, एंड पुनः कथन चयन करना सारांश देना, एंड संश्लिष्ट करना यानी सिंथेसाइज करना। तो ये जितने भी हैं हमारी 15 या जो एक्शन वर्ब्स हैं वो संश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। एंड द इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में हम लोग देखेंगे कि इवेल्युएशन में स्टूडेंट्स कौन कौन से एक्शन वर्ब का यूज़ करेगा, संबंधित करना चुनना, तुलना करना कंपेयर करना, आलोचना क्रिटिसाइज, निष्कर्ष देना बचाव करना निश्चित करना, एंड मूल्यांकन करना निर्णय लेना, पहचानना अभिज्ञान करना, संबंध स्थापित करना, चयन करना सारांश देना, समर्थन करना जांच करना, एवं विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत यानी कि इवेल्युएशन के अंतर्गत आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि जो सिक्स पार्ट में बी एस ब्लूम ने बताया था कि नॉलेज बोध और प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, उसी को ही यहाँ पर भी उन्होंने रॉबर्ट मेगर ने उसी को आधार बनाकर कुछ एक्शन वर्ब्स को अपनी तरफ से ऐड किया, उसमें कुछ चेंजेस किया और उसको एक नया आयाम देकर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है भावात्मक पक्ष से संबंधित कार्य प्रक्रियाओं की सूची। अब देखेंगे कि जो भावात्मक पक्ष था उसमें उन्होंने कौन कौन से कार्य प्रक्रियाओं की सूची प्रदान करी है। तो भावात्मक में भी 6 पार्ट्स थे हमारे, जिसमें थे हमारा आग्रहण अनुक्रिया रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग आकलन संगठन एंड मूल्यों का चरित्रीकरण विशेषीकरण, यानी कि आग्रहण रिसीविंग अनुक्रिया रिस्पॉन्डिंग एंड थर्ड आकलन यानी कि वैल्यू संगठन ऑर्गेनाइजेशन और फिर चरित्र का निर्माण यानी कि करेक्टर फॉर्मेशन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, 6 पार्ट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एक्शन वर्ब की। तो आग्रहण यानी कि रिसीविंग के अंतर्गत कौन कौन से एक्शन वर्ब आती हैं, पूछना स्वीकार करना ध्यान देना सावधान होना पकड़ना खोजना एंड
प्रयोग करना यानी एक्सपेरिमेंटिंग, पक्ष लेना फेवरिंग अनुसरण करना, फॉलोइंग निरीक्षण करना, ऑब्जर्विंग पसंद करना, प्रेफरिंग एंड प्रत्यक्षीकरण करना, प्रिसीविंग आग्रहण करना, रिसीविंग करना, चयन करना एंड नाम देना। यानी कि ये ऐसे, ये कौन से पार्ट हैं, ऐसे पार्ट हैं जिसमें हम लोग, जिसमें स्टूडेंट्स की ये सब क्रियाएं, एक्शन वर्ब, वो इन सब वो कार्य प्रक्रियाओं को करेगा। जब वो भावात्मक पक्ष से रिलेटेड होगा तो उस, वो जब किसी चीज़ को रिसीव कर रहा होगा, आग्रहण करेगा, तो उसमें ये सब चीज़ें, उसमें क्रियाएँ उसमें होंगी। वो उसके बारे में पूछना चाहेगा, आस्किंग करेगा, उसको स्वीकार करेगा। कोई कोई टॉपिक समझाया जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, उस पर ध्यान देगा, उसको ध्यान से सुनेगा, सावधान होगा उसके लिए कि नहीं हमको ये चीज़ समझ के सीखनी है। नेक्स्ट आता है खोजना, डिस्कवर करना, पकड़ना, उसको पकड़ने की कोशिश। पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको हाथ पकड़ना, मतलब उसको कैच करना कि वो कहाँ से कहाँ रिलेट हो रही है और उसका क्या मीनिंग है। प्रयोग करना, उसका कहीं ना कहीं वो प्रयोग करेगा। पहचानना, उसको पहचानने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट पक्ष लेना, फेवर लेना, अनुसरण करना, फॉलो करना, निरीक्षण करना, पसंद करना, प्रत्यक्षीकरण करना, आग्रह करना, रिसीविंग, चयन करना, नाम देना। तो ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत आ रही हैं, रिसीविंग यानी आग्रहण के अंतर्गत आ रही हैं। फिर नेक्स्ट आता है अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग। अनुक्रिया के अंतर्गत उत्तर देना, आंसरिंग, सहायता करना, असिस्टिंग, पूरा करना, कंप्लीटिंग, निकालना, डराइविंग एंड नेक्स्ट इसमें आता है वाद विवाद करना, डिस्कसिंग, विकसित करना, डेवलपिंग, सहायता करना, हेल्पिंग, सूची देना, लिसनिंग, लिस्टिंग, मतलब लिस्ट उसको देगा, सूची देगा तो लेबल, लेबलिंग करेगा उसको, नेम देना, आज्ञा पालन करना, उपस्थित करना, अभ्यास करना, आलेखन करना, चयन करना, कथन करना और लिखना। यानी कि ये जितनी भी हमारी जो एक्शन वर्ब्स हैं, कार्य प्रक्रियाएं हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, हमारी रिस्पॉन्डिंग के अंतर्गत। जब स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है तो वो क्या, कौन कौन सी क्रियाओं को प्रायोरिटी देता है, कौन कौन सी क्रियाओं को यूज़ करता है। तो उत्तर देता है सबसे पहले, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी क्वेश्चन के थ्रू तो वो क्या करेगा, उससे प्रति उत्तर देगा, सहायता करेगा, उसको पूरा करेगा, उसको उत्तर निकालने का प्रयास करेगा, वाद विवाद कर सकता है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो विकसित कर सकता है उस क्वेश्चन को, डेवलपिंग, उसमें कुछ नया बता सकता है, सहायता करना, एक सूची दे सकता है, लिस्टिंग कर सकता है उसकी एंड अभ्यास करना, आलेखन करना, चयन करना, कथन करना और लिखना। मतलब ये सब जितनी भी 17 हमारी इसमें एक्शन वर्ब दी गई हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है अवकलन यानी कि वैल्यूइंग की बात हो रही है, अवकलन है ये। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू की बात हो रही है तो इसके अंतर्गत जो कार्य प्रक्रियाएं आएंगी उसमें आएगा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग, ध्यान देना, अटेनिंग, पूरा करना, कंप्लीटिंग, चुनना, चूजिंग करना, निश्चय करना, डिसाइडिंग, प्रदर्शित करना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, विभेद करना, डिस्क्रिमिनेटिंग, विकास करना, डेवलपिंग, वृद्धि करना, इंडिकेटिंग, भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग, अभिरुचि का क्रम देना, प्रेफरिंग एंड पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इसमें एक वैल्यू की बात की गई है, तो वैल्यू के अंतर्गत हमारी ये सब चीज़ें जो एक्शन वर्ब आएंगी हमारी, ये सब एक्सेप्ट होंगी। ये जितनी भी 13 दी गई हैं कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा एंड उस पर ध्यान देगा अच्छी तरीके से, उसको पूरा करने का प्रयास करेगा, उसको चूज़ कर सकेगा, मतलब उसको सेलेक्ट कर सकेगा एंड डिसाइडिंग, उस पर अपना निर्णय ले सकेगा, उसको प्रदर्शित कर सकेगा, ठीक है, वृद्धि कर सकेगा, संकेत कर सकेगा उसके माध्यम से, भाग ले सकेगा और अभिरुचि और क्रम देना, पहचानना। नेक्स्ट आता है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फोर्थ इसमें स्टेप है, पॉइंट है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कौन कौन से आ रही हैं क्रियाएं। जोड़ना, एडिंग, संबंधित करना, एसोसिएटिंग, परिवर्तित करना, चेंजिंग, तुलना करना, कंपेयरिंग, पूरा करना, कंप्लीटिंग, समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग, सहसंबंध स्थापित करना, कोरिलेटिंग, निश्चित करना, डेवलपिंग, पाना, फाइंडिंग, बनाना, फॉर्मिंग एंड सामान्यकरण करना, जनरलाइजिंग। तो ये इसकी एंड कुछ और बची हैं इसमें, समन्वित करना, निर्णय करना, योजना बनाना, तैयार करना, चयन करना, संश्लेषित करना और व्यवस्थित करना। तो ये इसमें जो 19 दी गई हैं हमारी संगठन के अंतर्गत जो एक्शन वर्ब दी गई हैं,
वो इम्पॉर्टेंट हैं। इनके माध्यम से स्टूडेंट क्या करेगा, जब वो किसी चीज़ को संगठित करेगा तो वो सब इन चीज़ जो हमारी एक्शन वर्ब्स हैं वो इनका प्रयोग करेगा, उसको जोड़ेगा या उसको किसी संबंधित कर सकेगा, उसको परिवर्तित कर सकेगा, ठीक है, उसमें क्या कर सकेगा, कोऑर्डिनेटिंग यानी सह समन्वय और सहसंबंध स्थापित कर सकेगा, यानी कि एक कोरिलेशन बना सकेगा और सामान्यकरण करना यानी उसको जनरलाइज कर पाएगा। नेक्स्ट निर्णय लेना यानी कि उसको जजमेंट उस पर कर पाएगा, तैयार करना उसको प्रिपेयरिंग करना यानी कि उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा, एंड संबंध स्थापित करना हम लोग देख चुके हैं इसमें, ये रिपीट हो गया पॉइंट। चयन यानी कि सेलेक्ट कर सकेगा, संश्लेषित और व्यवस्थित करना यानी उसको ऑर्गेनाइज और सिंथेसाइज कर सकेगा, ठीक है। इन द लास्ट हमारा है इसमें मूल्य का चारित्रीकरण या विशेषीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन बाई अ वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स, मूल्यों का चरित्रीकरण। तो मूल्यों का चरित्रीकरण इसमें कौन कौन सी कार्यपरक क्रियाएं शामिल होंगी, देखिए सबसे पहले तो वो स्वीकार करेगा भाई, जब उसमें मूल्य का निर्धारण होगा उसमें जब करेक्टर फॉर्मेशन होगा तो वो किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, बदलना उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, चरित्रीकरण होगा यानी कि उसमें करेक्टराइजेशन होगा, उसमें चरित्र में कुछ चेंज आएंगे, निश्चय करना डिसाइडिंग, विभेद करना डिस्क्रिमिनेटिंग, विकसित करना डेवलपिंग, प्रयोग करना एक्सपेरिमेंटिंग, सामना करना फेसिंग, पहचानना आइडेंटिफाइंग, पुष्टि करना जजमेंट करना, सिद्ध करना दोहराना, सेवा करना हल करना जांच करना। तो ये क्या है, ये सब हमारे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब जो एक्शन वर्ब्स हैं हमारी वो मूल्यों का चारित्रीकरण या विशेषीकरण यानी करेक्टराइजेशन बाई अ वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट मेगर उपागम किस तरीके से, रॉबर्ट मेगर ने उसको एक बीएस ब्लूम को आधार मानते हुए अपने रॉबर्ट मेगर उपागम को 1962 में अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर महत्व दिया। उन्होंने किस पर महत्व दिया, अभिक्रमित अनुदेशन, ओके। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि उस पर संबंधित एक अप्रोचेस लॉन्ग में पूछा गया है कि लिखने के जो अप्रोचेस हैं, ठीक है, बिहेवियरल टर्म में ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के बिहेवियरल टर्म में जो अप्रोचेस हैं उसमें से किसी एक को राइट करिए, या बाई नेम भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, अगर कोई एक कह रहा है तो आप किसी को भी राइट कर सकते हो, अगर बट नेम बाई नेम पूछ रहा है तो आप उसी से रिलेटेड उसको राइट करोगे, अगर बी एस ब्लूम पूछ रहा है तो बी एस ब्लूम, और अगर रॉबर्ट मेगम पूछ रहा है तो रॉबर्ट मेगर उपागम आप राइट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें सभी क्रियाओं को तो लिखना उचित नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें दे रखी हैं क्रियाएं, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पेपर में उसमें राइट करना है, जैसे ज्ञान में 10 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 22 भी हैं, तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें एक्शन वर्ब को आप लिख सकते हो उसको आप राइट करोगे इसी तरीके से टेबल बना के। और अगर वो कहता है कि किसी प्रकरण पर, तो आप एक प्रकरण ले सकते हो, एक टॉपिक ले सकते हो, उस टॉपिक को बेस मानते हुए, जैसे हमने टॉपिक ले लिया कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड अगर हम लोग उससे ज्ञानात्मक पक्ष को लिखें तो वो क्या कर सकेगा, ज्ञानात्मक में प्राकृतिक संख्याओं का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। अब जो इसमें पॉइंट दे रखे हैं हम लोग उन्हीं को इंक्लूड करना है कि छात्र प्राकृतिक संख्याओं को परिभाषित कर सकेगा, छात्र प्राकृतिक संख्याओं की सूची दे सकेगा, छात्र प्राकृतिक संख्याओं का मापन कर सकेगा, छात्र प्राकृतिक संख्याओं को प्रत्यास्मरण कर सकेगा। तो मैं ये जितने भी एक्शन वर्ब्स हैं यही उसके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखने में मदद करेंगी, जो हमने सेंटेंस बताया इसी तरीके से आप सेंटेंस बना के उसको एक किसी प्रकरण पे अगर दिया जाए तो आप उसको राइट कर सकते हो। तो ये सूची इसीलिए बनाई गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो दिए गए हैं उससे आप पॉइंट बना सकते हो, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, कल की क्लास में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट है रॉबर्ट मिलर उपागम और RCM अप्रोच, इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू क्लास।